भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर मैच का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जुनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सत्रह साल बाद टाइटल जीत लिया भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस लम्हे को यादगार बनाने का फैसला किया और इस पिच की रेत का कुछ हिस्सा उठाकर मुंह में डाल लिया जहां पर उन्होंने बतौर कप्तान भारत को फाइनल जितवाया फतेह के जश्न के सनोखे अंदाज की वीडियो आईसीसी के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई है जिसमे रोहित शर्मा को पिच से रेत उठा कर मुँह में डालते देखा जा सकता है फतेह के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के, के कप्तान विराट कोहली और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने टी ट्वेंटी इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया विराट कोहली ने अपनी तारीख फतेह के चंद मिनट बाद अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया भारत की फतोहात में अहम किरदार अदा करने वाले रोहित शर्मा ने तस्दीक की कि वो वनडे और टेस्ट में भारत की नुमाइंदगी जारी रखेंगे भारतीय कप्तान का कहना था की ये मेरा आखिरी मैच भी था अलविदा कहने का इससे बेहतर वक्त नहीं था मैं शिद्दत ऐसी ये ट्रॉफी जीतना चाहता था इसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है रोहित शर्मा ने मजीद कहा की ये वही था जो मैं चाहता था और ये हुआ मैं अपनी जिंदगी में इसके लिए बहुत बेचैन था और खुशी है कि हमने इस बार लाइन को उबूर किया